Hi everyone, my name is Pavan and I am lecturer of Satyam College of Polytechnic Nukodar. In this lecture we will discuss about net metering system. So सबसे पहले हमारे पास जो है वो concept of net metering system है. So इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है. We live in an age where people across the world are becoming increasingly conscious of the environment. So हम एक ऐसी एज में रह रहे हैं जहाँ पर लोग एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, ठीक है, और जो इसकी मात्रा है वो और भी बढ़ रही है, ठीक है. गवर्नमेंट्स आर अर्जिंग एंड इंसेंटिवजिंग कंपनीज एंड सिटीजन्स ऑफ एम्ब्रेस न्यू रिनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो गवर्नमेंट जो है किसी भी देश की, ठीक है, वो ऐसे प्लांट्स या कंपनीज कर रही है जिससे द्वारा जो हमारे सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो ऐसी एनर्जी यूज़ कर सके जो रीन्यूएबल हो, ठीक है. As more and more people are deciding to go green, there are a few terms that have crept into our lexicon. So जैसे जैसे हमारे लोग जो हैं वो अपना डिसीजन ले रहे हैं कि उन्होंने गो ग्रीन मतलब जो थीम है उसके ऊपर चलना है, तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स है जो उनकी लाइफ में मतलब हम डाल सकते हैं. वन ऑफ देम इज़ नेट मीटरिंग. सो उनमें से ही एक जो है नेट मीटरिंग सिस्टम है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास है नेट मीटरिंग सिस्टम. नेट मीटरिंग सिस्टम इज़ ए सिस्टम डैट गिव्स सोलर एनर्जी ओनर्स क्रेडिट्स फॉर द पावर डैट दे ऐड टू द ग्रिड. सो नेट मीटरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो सोलर एनर्जी ओनर्स होते हैं उनको क्रेडिट मिलता है जो पावर वो ग्रिड को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है. वैन सोलर पैनल्स प्रोड्यूस एक्सेस पावर, दैट पावर इज सेंट टू द ग्रिड. जब सोलर पैनल्स ज़्यादा मात्रा में पावर प्रोड्यूस करते हैं तो वो पावर को हम ग्रिड में भेजते हैं, ठीक है. एंड दिस पावर कैन बी टेकन बैक व्हेन द सोलर प्लांट्स आर नॉट फंक्शनिंग, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द नाइट. सो इस पावर को हम वापस भी ले सकते हैं जब सोलर प्लांट फंक्शन नहीं कर रहे होते. फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब रात होती है तो सोलर प्लांट्स या सोलर पैनल्स वर्क नहीं करते, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ नेट मीटरिंग सिस्टम. द नेट मीटरिंग पॉलिसी टेक्स सोलर एनर्जी मोर अट्रैक्टिव एंड अफोर्डेबल फॉर यूज. सो जो नेट मीटरिंग पॉलिसी है, ठीक है, इसका जो मेन मकसद है वो सोलर एनर्जी को मोर अट्रैक्टिव और अफोर्डेबल बनाना है फॉर यूजर्स, ठीक है. उसके बाद है इट नॉट ओनली ब्रिंग्स डाउन द एनर्जी कॉस्ट ड्रास्टिक कली बट ऑल्सो हेल्प क्रिएट स्मॉल पावर जनरेशन यूनिट्स इन ऑलमोस्ट एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री. सो इसका जो दूसरा मकसद है उसे बोल सकते हैं भी ये एनर्जी कॉस्ट को कम करता है, साथ ही साथ ये मतलब जो हमारी पावर होती है उसकी जनरेशन को दुनिया के कोने कोने में बढ़ाता है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास है चैलेंज. मेजर चैलेंज विद नेट मीटरिंग पॉलिसी इन इंडिया इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लांट. सो अगर हम मेन चैलेंज को देखें जो हमें फेस करना पड़ सकता है इंडिया में, वो किसी भी प्लांट को इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, उसको लगाना मतलब एस्टेब्लिश करना होता है, ठीक है. सो ये हमारा नेट मीटरिंग सिस्टम है. इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो.